हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ को कैसे शो करते हैं, तो उस पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट, और ये हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। इसके अंदर हम वैल्यू को शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको एक आईडी दे लेता हूँ ताकि इसके अंदर वैल्यू शो करेंगे। तो मैं आईडी इसका नाम दे लेता हूँ रिजल्ट, और हम स्क्रिप्ट टैग लगाकर स्क्रिप्टिंग हमारे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसके पास वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल होगा डाटा, मैं नाम दे लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है या फिर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं सपोज कुछ भी 33 डाल देता हूँ, और इसको हमें शो करना है टेक्स्ट बॉक्स में। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम उसको टारगेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, क्योंकि हमने उसको आईडी दी हुई है, तो आईडी के थ्रू करेंगे। तो आईडी है हमारी रिजल्ट, और रिजल्ट करने के बाद में बस इतना सा काम रहता है कि आपको लिखना पड़ता है डॉट वैल्यू, और वैल्यू लिखने के बाद में आपको जो आपकी वैल्यू है उसको असाइन कर देना है। तो मेरे पास डाटा के अंदर वैल्यू है तो मैं डाटा को असाइन कर देता हूँ। सेव करते हैं और ये यहाँ पे शो होने लग जाएगी। रिफ्रेश, मेरे इसके अंदर एक लाइव सर्वर ऐड है इसलिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ये मेरे शो रिफ्रेश हो जाता है, तो मुझे ये बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसकी टेंशन ना लो। तो अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे हम, मान लो मैं ये लिख देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और साथ ही हमें अगर इस डाटा को नीचे शो करना है, मतलब एज ए टेक्स्ट HTML, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ HTML टैग, जैसे कि H1 टैग ले लेता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैं रिजल्ट ऐसे ही दे लेता हूँ कि इस रिजल्ट के सामने हमारा शो होएगा जो भी इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने कुछ बनाई हुई है नहीं, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ स्पैन टैग लेकर, और इसके अंदर मैं आईडी दे लेता हूँ रिजल्ट 2 दे लेता हूँ, या शो दे ले सकता हूँ मैं, रिजल्ट 2 रख लेता हूँ, क्योंकि एक ही पेज में एक ही आईडी हो सकती है। मतलब आईडी तो एक हो सकती है लेकिन अलग अलग नाम की रखना होगा। एक सेम नाम की एक दो आईडी आप एक पेज में नहीं रख सकते, इसके लिए मैंने अलग अलग लिए आईडी। और यहाँ पे मैं इसको शो करके डॉट, अब मुझे HTML में शो करना है तो या तो इनर टेक्स्ट करूँगा या इनर HTML करूँगा, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। HTML का हल्का सा अंतर होता है इसमें, HTML वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, या तो आपको पता होगा। तो इसको इनर HTML करने के बाद मैं डाटा असाइन कर दूंगा, और ये इसके सामने शो हो रही है। ये देखिए, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक सेकेंड में इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स में कैसे शो कराएंगे, और वो भी लाइव, कि जो भी हम टाइप करेंगे और इसमें भी आता जाए और नीचे भी आता जाए, मतलब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैं इसके लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ, इनका सबका नाम मैं कर देता हूँ 1 2 3, ये रिजल्ट 1, ये 2 और ये 3। नहीं, फर्स्ट वाला तो हम डाटा को टाइप करेंगे, तो मैं इसका नाम दे लेता हूँ गिव, ताकि नाम भी आईडी मैंने ऐसे लगाई है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अच्छा सा नाम देना, ये गिव वगैरह मत देना। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये तो देगा और ये रिजल्ट शो करेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट और सेकंड वाली आईडी दे लेता हूँ, इसमें तो हम टाइप करेंगे और इसमें शो होगा, और साथ ही साथ हम नीचे भी शो करा देंगे। ठीक है, तो गिव नाम की मैंने एक, और इसको मैं हटा देता हूँ ताकि दोबारा से सही से समझाऊँ।
इसमें तो हम टाइप करेंगे और यहाँ शो होगा। तो टाइप करने के लिए हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट करते हैं गिव को, कि यहाँ से वैल्यू आएगी। डॉट वैल्यू हम करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है, वैल्यू आएगी और इसको स्टोर करा देंगे हम एक वेरिएबल में जिसका नाम है डाटा। डाटा में शो हो गई जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसके अंदर हमें शो कराना है, तो हमें इसकी आईडी ले लेंगे डॉट वैल्यू और इसको असाइन कर देंगे डाटा से। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो डाटा इसमें शो करा देगा, साथ ही हमें रिजल्ट में भी शो कराना है तो रिजल्ट वाली भी आईडी ले लेते हैं रिजल्ट टू। टेक्स्ट एचटीएमएल में शो कराना है, वहां पे हमें इनर एचटीएमएल लिखना पड़ेगा या इनर टेक्स्ट से अब करते हैं और इसको भी डाटा असाइन कर देंगे। लेकिन ये अभी ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि जब पेज रिफ्रेश होता है तो हैंड टू हैंड ये वाली जो लाइनें हैं वो रन हो जाती है, और रन होने के साथ में इसको ब्लैंक मिला है इससे, तो यह ब्लैंक ही शो करेगा। तो हमें लिखने के बाद में इसको रन करना है, या फिर जब जब लिख रहे हैं तो ये एक इवेंट होता है, और इसको इवेंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको मैं नाम, इसका जो नाम होता है वो होता है ऑन की प्रेस या ऑन की अप। इनके बारे में अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं सारे इवेंट, बहुत सारे होते हैं इवेंट, ऑन क्लिक है, डबल क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सारे इवेंट है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं सारे इवेंट आपको बता दूँ विद प्रैक्टिकल। ओके, तो मैं यहाँ ऑन की का, मैं ऑन की अप का एक इवेंट लेता हूँ और यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ कि जब जब ये, जब जब हम टाइप करेंगे, जब जब कीबोर्ड का की प्रिंट होगा मतलब की दबाएंगे, तब तब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो मैं एक शो नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ मैंने डिफाइन किया है और यहाँ डिफाइन करता हूँ मतलब वहाँ। ओके, और ये सारी चीज़ें हम इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। एक्चुअल में फंक्शन कीवर्ड लिखना भूल गया, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम ये, तो जब जब हम इसमें टाइप करेंगे तब तक ये वाली रन होती रहेगी और हमारा रिजल्ट शो होता रहेगा। चेक करते हैं, मैं लिखता हूँ KING किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, जैसे जैसे आप लिखेंगे स्पेस भी करेंगे वैसे वैसे शो होता रहेगा। और इसके अंदर ये आगे लिख रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा, इसको हटाएंगे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे भी डिलीट होता रहेगा। ये देखिए, हेलो, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर थोड़े दिन में वीडियो बना ही दूंगा। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ओके, थैंक यू।